यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो जैसे कि हमारे इस दुनिया में सिर्फ अच्छे गेम्स ही नहीं है, उसके साथ ही साथ कुछ बुरे गेम्स भी है जिन्हें कर्स्ड भी माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे कर्स्ड गेम्स बताने वाला हूँ, और ये वीडियो सिर्फ मैं अवेयरनेस के लिए बना रहा हूँ ताकि आप इस गेम्स को ना खेल पाए। तो अगर अभी ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो को एक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब याद से करोगे। नाउ लेट्स बिगिन। तो जो हमारा पहला गेम है उसका नाम है स्टे अलाइव। तो ये एक मूवी के साथ लॉन्च होने वाला था जिस मूवी का नाम भी था स्टे अलाइव। तो उस मूवी में क्या था कि एक फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, उन्हें छोड़ दिया जाता है एक गेम में और उन्हें वहाँ पर सर्वाइव करना होता है, और ऑफ कोर्स वहाँ पर कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाता और सबकी डेथ हो जाती है। तो गेम इस मूवी से ज़्यादा टफ होने वाला था, और ऐसा बताया जा रहा था कि अगर गलती से आप उस गेम में मरे तो जितना भी प्रोग्रेस आपने बनाया था वो सब गायब हो जाता था। अगर ऐसा होता तो सारे गेमर्स पागल हो जाते और यहाँ तक कि सुसाइड भी करते। तो इसीलिए वो गेम कभी लॉन्च हुई ही नहीं, सिर्फ उसकी मूवी उतनी ही आई है। तो अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की तरफ। तो हमारी अगली गेम का नाम है बर्जर्क। तो एक बहुत ही सिंपल गेम थी जहाँ पर आपको आर्म्ड बॉडीगार्ड्स को मारना होता था। तो इसमें आप बहुत तरीके से मर सकते थे, मतलब अगर आप दीवार से टकरा गए, या फिर बॉडीगार्ड्स ने आपको मारा, या फिर मेन बॉस फाइट में आप हार गए, इतना सब तो ठीक था। लेकिन एक बार एक प्लेयर ने इसके अंदर हाईएस्ट स्कोर बनाया था 16,600 का, और जैसे ही उसने उसका नाम रजिस्टर करने गया उसकी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। और उसका इकलौता केस नहीं है, ऐसे ही 2-3 केस और है। सबको लग रहा था कि वो मेन बॉस के फाइट की वजह से वो डर के हार्ट अटैक से मर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे थे कि बच्चे बहुत देर तक घंटों घंटों तक इस गेम के पीछे लगने की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ रहा है। और तब से इस गेम का कोई दूसरा वर्जन नहीं आया। तो यस, ये इमेज देख के आप समझ ही गएंगे कि मैं भी किसकी बात करने वाला हूँ, ब्लू व्हेल की। तो यार वो एक अजीब ही गेम था यार, उसमें अजीबोगरीब टास्क थे, मतलब अपने ब्लेड से हाथ काटना, यहाँ तक कि सुसाइड भी करना। इस गेम ने बहुत सारे लोगों की जान ली है। तो अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की तरफ। हमारा अगला गेम है पोकेमॉन रेड एंड ब्लू। तो इस गेम में कहा जाता है कि एक लेवेंडर टाउन है जो कि बेसिकली बड़े पोकेमॉन्स का ग्रेवयार्ड है। यहाँ पर एकदम ही हाई और अजीबोगरीब फ्रीक्वेंसी की म्यूजिक बजती थी जिसकी वजह से बच्चों को एक अलग ही सर दर्द होता था, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो सुसाइड भी किया। इसलिए इस गेम को कर्स्ड मानते हैं। तो यस गाइज, ये थे हमारे कुछ कर्स्ड गेम्स, आप इन्हें कभी भी ट्राई मत करना। तो यस, आज के वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।